यानी एकर मतलब मौगी ले हम ज्यादा फेमस हैं। बिहार इंडिया सवाल ये बात बा कि मौगी ले ज्यादा फेमस बने। आज यो बात कर कम से कम से इतना लोग गवाह हो गए। चलिए जितने लोग अभी बचे खुचे हैं तो हाँ सब देखा था मेहरारुआ के ना देखले हाँ। मेहरारू को कुल पता बता देनी साड़ी करिया पहले भी ऐसा नहीं है वैसा नहीं है ई है वो ही है। आचार संहिता में नेता लोगन का लाखों लाखों का रैली हुई वही में दो दल वाला भीड़ गईलन तो मार काट दंगा फसाद कुल हो जाए। आखिर वहां लोग इतना पावन क्यों नहीं करते हैं? कितना शांति से अमन बिरहा गावत नहीं जा कितना शांति से उन्हें बिरहा हो गई आराम से शांति से आदमी सुना तरह। अगर यहां शांति व्यवस्था में व्यवधान नहीं है हम दोनों कलाकार किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं ले रहे हैं कोई राजनीतिक बात नहीं हो रही हम लोग सामाजिक चर्चा कर रहे हैं गीत मनोरंजन कर रहे हैं। जिन्होंने संविधान बनाया है एक गीत मैंने लिखा था विराट का मूड चेंज हो गया है बोला मत लोग सुना ध्यान से तू लोग इतना समझदार रहता ना दुगो वर्दी धारी तुलो के डरवा के निकल ना जीत। अब तुलो को बोली निकले लगन अब हमके बोले नहीं दे बजा अभी चाहे मैं बोलो बोलो है एक गीत गाए थे धरती गगनवा रोवे गईला कौने बनवा हो भईला सपनवा काहे भारत के रतनवा ये बने। लास्ट लाइन में लिखा था मैंने रोवत थाना हो का करबो दुगो आचार संहिता का धरे न लगा दे बस आप पहले सुन तो ही बता के लगा दिया दोनों पर तो माइक बंद कर देना था खुद ही माइक में मत लगा। उसमें मैंने लिखा था रोवत थाना हो रोवत कचहरी खेले कानून से कानूनवा के प्रहरी। और आप लोग हमारा जितना भी बिरहा सुने होंगे मलदा कांड सुन ले बोला जा चकिया मलदा ट्रक वाला कांड जन गई नहीं वो करा में का कहल कि गैया दौड़ा वाला मड़ई में घुसा गया। फिर मैंने लॉकडाउन में गाया लॉकडाउन में भी मैंने पुलिस बल को लिया था अभी सीमा हैदर गाया सीमा हैदर में भी मैंने लिया। हम तो जगह से पकड़ते हैं तो भी छोड़ते नहीं है खैर हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था। वाह साला यहां दीवाना रोज समझा रहा है मत बटो पार्टी में मत बटो बटो जाति में मत बटो। अगर जाति पार्टी में बटोगे तो विदाउट सत्ता कुछ होता नहीं है। लोग परमिशन की बात करते मैं बता दे रहा हूं कि 10 दिन पहले कार्यक्रम कैंसिल होता है कि इस बात को लेकर के परमिशन नहीं मिल रहा है आप लोग नहीं यकीन मारेंगे 14 अप्रैल तक के लिए परमिशन नहीं दिया जाता है। जिस देवता ने संविधान लिखा जिस देवता ने देश का नियम कानून लिखा उस गीत की कड़ी मैंने लिखा है नौभाषा की जानकारी थी वो 32 डिग्री धारी थे जो गीत जिस गीत के भी चर्चा करे थे भाई बोले थे गा दीजिएगा नौभाषा की जानकारी थी वो 32 डिग्री धारी थे तेरे ज्ञानी बाप दादाओं पे बस एक अंबेडकर भारी थे। कितना लड़ा होगा वह शख्स तब जाकर के आजादी मिली तब जाकर के संविधान मिला लेकिन आप कितना सोए हो एक शख्स ने संविधान लिख दिया एक शख्स ने आपको अधिकार दे दिया कानून दे दिया और आप सोए हो कि दो लोग धमका के चले जाए।
ये आपकी कमी है और 5 किलो राशन की कमी है। पढ़ल लिखल समाज 5 किलो राशन पर खुश बा। अभी तो राजनैतिक बात बा भाई, अब बोले लगने तो मुंह रुकी नहीं। अब तो हर माइक का सवाल नहीं, माइक का तू ही भाई बंद कर देना। खैर आइए कुछ एक आध लाइन हो जा। अब बिरहा, हालांकि फिर भी बिरहा लड़ाई, अब बिरहा लड़ाई और ही टाइम कुछ बजा दे खाद लाइन करी। अच्छा मूड हो गए सही, बिरहा में डूब गए ले लो। हमरे नाम दीवाना कहीं रहो, घुमा के ये लेके आई, घुमा के यही जे लेके आई कि तू लोग का ध्यान है हर रहे। आप लोग का ध्यान किधर है, दीवाना इधर है, आइए खाना उधर है। ₹100 माता जी नाम बता देंगे। अच्छा मोहम्मदाबाद घर बा, ठीक बा। ये ₹100 से सम्मान के लिए। अच्छा राम प्रवेश भैया के माता श्री आपके चरणों में प्रणाम, आए हुए तमाम साथियों को बहुत बहुत साधुवाद, जय हिंद जय भारत। दोनों साहब लोग जहां हुए वो हमरो रिपोर्ट लिए थे। पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। एक दिन हम मोदी जी को सुन रहे थे, री का जमाना है, सुन लेते हैं। बोले कि चेतक घोड़ा की जो माँ थी वो गुजराती थी। साला पढ़ा लिखा भी पगला दी। हेलो गुजरात से बाबा साहब का गीत का फरमाइश बा भीम चर्चा समिति से। ये आपके बहनी के द्वारा ₹100 चरणों में प्रणाम तमाम साथियों कोट कोट सम्मान आशीर्वाद में शांति श्री दुलार का कामना बा। चेतक घोड़ा कमाई गुजराती, पढ़ा लिखा होना जरूरी है। रुका हुआ खैनी गवा गेल मर्दवा, तो कौना दुनिया में रहा खैनी खवा गई गवा गई दुर्गा दरोगा जी लेके निकल भी गई। तो कौन है दुनिया बड़ो। ₹100 बाबा साहब के गीत का फरमाइश बा, सादर जय भीम नमो बुद्धाय। पढ़ा लिखा होना जरूरी है, लेकिन जानते हैं एक दौर था जबरी आपका शिक्षा खत्म कर दिया गया। जब बाबा साहब ने सबके हाथों में कलम थमाया तो अब शिक्षा को महंगा करके आपसे शिक्षा को दूर किया जा रहा है। डायरेक्ट शिक्षा बंद करने की हिम्मत किसी में नहीं है, नहीं है। शिक्षा को इतना महंगा कर दिया जाएगा, शिक्षा को इतना महंगा कर दिया जाएगा कि आपके बच्चे टिकटॉक और रील्स वाला वीडियो देख देख के केवल पागल हीरो हीरोइन बनेंगे। उनको शिक्षा से मतलब नहीं है, नहीं है। ये अनपढ़ दुर्गा जी कहत पहुंच गई। दरोगा साहब का लक्ष्य ही बता तो अपनी मेहरारू को लेके कहां जा रहा था, कहानी की हम लेके जात मारे लेके आवत रही।
कहे कहां से लेके आ रहा था। ससुरारी से एक गिला पहले ही लिखा गया से कि ससुरिया के नाम नहीं हटत रहे। हम कहनी लेके आ रहे थे कहां से। अरे लेके आवत हली साहब ओके ससुरारी से। कैसे हाथ छोड़ा लस्त हम कहीं सुना। अरे छुट्टी नहीं सका